इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र सरकार में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सिम्बोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर एस बी मजुमदार जी, प्रो चांसलर डॉक्टर विद्या रेवड़ेकर जी, वाइस चांसलर डॉक्टर आर रमन जी, प्राध्यापकगण, माता पिता एवं अभिभावकगण, सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी का नमस्कार। आज सिम्बोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं उपाधि प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक पाने वाले सभी विद्यार्थी विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस पी मजुमदार अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फॉरेन स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले नाइजीरिया के छात्रों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी प्राध्यापकों, संस्थान के सभी सदस्यों, विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी विशेष रूप से बधाई देती हूँ, क्योंकि आपके निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धियाँ प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। ये प्रशंसनीय है कि सिम्बोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जेंडर इक्विटी को भी प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए मैं सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस संसद में पढ़ने वाले करीब 33,000 विद्यार्थियों में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग समान है। मुझे बताया गया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण और सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों से आग्रह करती हूँ कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम चलाएं और उनके लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करें। प्रिय विद्यार्थियों, सिम्बोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत सुंदर है, साथ ही आपको समृद्ध विरासत वाले पुणे शहर में भी रहने का अवसर मिल रहा है। पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महर्षि कर्वे, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सहित अनेक महान विभूतियों की भूमि है। मुझे विश्वास है कि आपने इस शहर और इसकी समृद्ध विरासत में बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इस संस्थान के चांसलर प्रोफेसर एस बी मजुमदार की भी सराहना करती हूँ कि उन्होंने 50 वर्ष पूर्व ये शिक्षण संस्थान स्थापित करने की दूरगामी पहल की, जहाँ देश और विदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अनेक वर्षों से विश्व के कई हिस्सों से ब्राइट यंग माइंड्स इस संस्थान में उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी होते हैं और देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभावी योगदान देने के लिए एक मजबूत नेटवर्क भी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ 3,000 से अधिक विदेशी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी भविष्य में विदेश में रहकर भी इस संस्थान, इस क्षेत्रों से जुड़े रहेंगे और
अपने आधुनिक ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेंगे। देवियों और सोजन, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस कैंपस में सिंबोसिस आरोग्य धाम भी स्थापित किया गया है, जो चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की ओर एक सराहनीय कदम है। ये एक व्यापक होलिस्टिक हेल्थ केयर कैंपस है। इसमें चिकित्सा संबंधी अनेक सुविधाएं और अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ महिलाओं को मेडिकल की शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया है। ये सराहनीय है कि हमारी शिक्षण संस्थान इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। मुझे बताया गया है कि सिंबोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कैंपस के आसपास के गाँव में, जैसे कि प्रो चांसलर ने बताया 35 विलेजेस 35 गाँव, मोबाइल फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स का संचालन किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को नवीनतम टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान करना सभी शिक्षण संस्थानों का ध्येय होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप केवल अपनी आजीविका और अपने परिवार के बारे में ही ना सोचें, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम जो ध्येय वाक्य है इस यूनिवर्सिटी का, पूरा विश्व के एक परिवार है कि सोच के साथ आगे बढ़े। इस संस्थान की शुरुआत भी इसी सोच के साथ हुई थी, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है और बताया गया भी है। आज आप सभी विद्यार्थी इतने सक्षम बन गए हैं कि आप देश विदेश में अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से बड़े संस्थानों और अन्य लोगों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, लॉ, सोशल साइंसेस और अन्य क्षेत्रों में इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा प्रभावी योगदान दे सकते हैं। प्रतिभाशाली और उत्साही युवाओं से मिलना मुझे अच्छा लगता है। कुछ महीने पहले मैं कई युवा महिला उद्यमियों से राष्ट्रपति भवन में मिली थी। उनके संघर्ष और सपनों के बारे में सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे देश के युवा बेटे और बेटियां देश और देशवासियों के विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े जोर के साथ, जोश के साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों में भरपूर टैलेंट, नॉलेज और स्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की जरूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिले। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के द्वारा भी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देवियों और स्वजनों, मैं यहाँ उपस्थित प्राध्यापकों, संकाय सदस्यों, अलुमिनाई को कहना चाहूँगी कि शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। वर्षों के शोध के नए आविष्कार होते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान मिलते हैं। भारत के रिसर्च स्कॉलर्स केवल देश ही नहीं, दुनिया की समस्याओं के हाल खोज सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज और होलिस्टिक एजुकेशन को भी इस नीति के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में वाटर रिसर्च मैनेजमेंट, स्टेम सेल, नानो साइंस, क्लाइमेट चेंज सहित अनेक विषयों पर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर्स काम कर रही है। इस प्रयास के लिए मैं इस संस्थान की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस संस्थान के
में आपको मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिला है। इससे आपकी सोच अधिक विस्तृत हुई होगी और आपका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हुआ होगा। भविष्य में देश विदेश के लोगों के बीच रहना, उन्हें सराहना, समझाना और उनके साथ मिलकर काम करना आपके लिए आसान जरूर होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ के कार्यक्रम स्टूडेंट ड्रिवन होते हैं तथा यहाँ विद्यार्थियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। भविष्य में आप भारत में रहें या किसी और देश में जाकर काम करें, हर कार्य में उत्कृष्टता का प्राप्त करने के लिए दिशा में कोशिश करें। एक कहावत आपने कई बार सुने होंगे, जस्ट एक्सेलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अधिक पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अन्य वस्तुओं के होने को ही कुछ लोग सक्सेस की निशाना बनाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों सफलता का सही अर्थ समझेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिनसे दूसरों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। आप सफलता और सार्थकता दोनों को महत्व देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में एक बार फिर मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन सार्थक हो और आप अपने माता पिता, संस्थान तथा देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।